नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गोरावदास विषय हिंदी। आज हम काव्य पांच मीरा के एक पद, जिसकी कवित्री जिसे लिखने वाली मीरा बाई है, उसके बारे में देखेंगे। उनका जन्म 1498 में और निधन 1563 में हुआ था। मध्यकालीन साहित्य में मीरा बाई का ऊंचा स्थान है। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म भेड़ जिला जोधपुर के निकट कुर्की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम था राव रतन सिंह राठौर। दो वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधा राव उन्हें भेड़ ले गए, क्योंकि मीरा का माँ का देहावसान हो गया था। दो वर्ष की उम्र में ही उनकी माता का देवासन अवसान हो गया था, मृत्यु हो गई थी, और उनके दादा ने उन्हें पाला, जिनका नाम था दूधाराम। दूधाराम स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के परिणाम स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई थी, कृष्ण भक्ति करने लगी थी। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का निधन हो जाता है। वे भी निधन हो जाता है तब अभय अपना अधिकार समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगती है। जब उनके 7 साल की उम्र में उनके पिता पति की मृत्यु हो जाती है, तो वे संसार से विरक्त हो जाती है और साधु संतों के साथ रहकर सत्संग करती है। पारिवारिक यात्राओं से व्यतीत होकर विरक्त हुई मीरा पहले वृंदावन में और बाद में द्वारका चली जाती है। पारिवारिक यात्राएं उन्हें मिलती है, जिसके कारण दुखी होकर मीरा पहले वृंदावन और बाद में द्वारका जाती है। और वहाँ से वृंदावन से लेकर द्वारका तक की यात्रा उन्होंने की थी। उस समय पहले कोई भी प्रकार के ऐसे साधन नहीं थे के लोग आसानी से एक दर्शन से दूसरी जगह पहुँच जाते थे, पैदल जाते थे। इस कारण बहन होते हुए भी बड़ी होते हुए भी वे इतनी दूर की यात्रा करती हैं और रास्ते में साधु संतों के साथ में सत्संग करने लगती हैं। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से जाना जाता है। उनका आराध्य देव थे, ईश्वर देव थे कृष्ण। कृष्ण की विलक्षण रूप सजा के प्रति उनके मन में अनन्य आसक्ति भाव दिखाई देता है। यहाँ संकल्प पहले पद में मीरा कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा सारे संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक देह यानी कि इस संसार का मोह त्याग कर वे अपने आराध्य श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रतन की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है कि राम कृष्ण का नाम ले लें तो व्यक्ति के मन में अत्यंत आनंद होता है और शत्रु को पाकर भव सागर पार करने का आनंद मीरा को भाव विभोर कर देता है। सद्गुरु को पाकर उन्होंने जो गुरु थे उनके प्रति वे कहते हैं कि यदि गुरु का साथ मिले उनकी कृपा हो तो भव सागर को भी पार किया जा सकता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतावली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। कृष्ण की शरणागति स्वीकार करती है। इस प्रकार इस पद में मीरा ने अपने ईश्वरदेव के प्रति और अपने शत्रु के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रकट किया है। वे कृष्ण को अपनाना चाहती है। जब मीरा छोटी थी तब उनकी सहेलियां उससे पूछती थी कि तेरा विवाह किससे होगा, तो मीरा अपने दादा को वैष्णव भक्त ने कृष्ण की भक्ति करती हुई देखती थी, जिसलिए वे कहती है कि मेरा विवाह तो कृष्ण के साथ होगा। और वे बचपन से ही उनकी भक्ति
उनकी पूजा किया करती थी। पहले पद में हम देखें तो मीरा कहती है, ये तो गिरधर गोपाल दूसरा कहे कि मेरा कौन है, क्योंकि मेरे केवल एक गिरधर कृष्ण है, दूसरा कोई व्यक्ति मेरा नहीं है। दूसरा ना कोई साधु सकल लोक जोड़ी, दूसरा कोई मेरा नहीं है साधु यानी संत महात्मा। मैंने सारे लोगों को देख लिया है, सारे लोग को संसार में मैं घूम चुकी हूँ, परंतु मुझे मेरे कृष्ण के जैसा दूसरा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सी, मैंने अपने भाई यानी सगे संबंधी सारे लोगों को छोड़ दिया, सारे सगे लोगों को छोड़ दिया, बंधु को छोड़ दिया, बंधु यानी मित्र, भाई यानी सब अपना भाई सगा संबंधी सबको छोड़ दिया और साधु संतों के साथ में सत्संग किया, जिसके कारण लोगों ये कहते हैं कि मैंने संसार की लाज को भी छोड़ दिया है, शर्म भी छोड़ दी है, क्योंकि बहन है इसलिए वे साधु संतों के साथ में जैसे जैसे घूम कर सत्संग नहीं किया करती है। भगत देव राजी हुई जगत देख हुई, परंतु मीरा कैसी होगी कि दुखों को देखकर संसार के उनके दुखों को वे सहन करके जगत के दुख को देखकर नहीं रोती, उन्हें दुख होता था और साधु संतों के साथ में रहकर भगवान की भक्ति का आनंद करके वे खुश होती। अश्वन जल सींच सींच प्रेम भरी हुई, आंसुओं के जल से मैंने सींच सींच कर किसे प्रेम रूपी भेजी, प्रेम रूपी पौधे को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है, क्योंकि संसार में उन्हें बहुत दुख मिले थे। दधि मति दूध काटी पियो डाल दही छोड़ी, दधि यानी दही, मति यानी मथना, बोलो हूँ मत पर मैंने क्या का निकाल दिया है, दूध काटी बी को निकाल दिया है और जो मथनी थी उसे फेंक दिया है, अब केवल छाछ मेरे पास में रह गई है और दही को लिया है। संसार के दुखों को सहकर मैंने उसमें परम आनंद की प्राप्ति कर ली है। इस प्रकार कवित्री अलग अलग प्रकार से कहती है कि संसार के दुखों को मैंने छोड़ दिया है। राणा विश्व प्यालो भेजियो पिए भगन होई, राणा यानी उनके देवर जिसने विष का प्याला उन्हें पीने के लिए भेजा था, वे कहती है कि विष का प्याला राणा भेजता है परंतु मैंने भगन होकर खुश होकर पी लिया है, मैंने उसे अमृत समझ कर पी लिया है। अब तो बात कह गई राणे सब कोई, कवित्री कहती है कि अब तो यह बात चारों तरफ फैल गई है, सभी लोग जान रहे हैं और इस संसार में मीरा दीवानी हो गई है ऐसा कहते हैं। मीरा राम लगन होई मोड़ी होई सो होई, मीरा कहती है मुझे राम की यानी कृष्ण की लगन लग गई है, अब जो होना है सो वही, मुझे उसकी परवाह नहीं है। दूसरे पद में मीरा कहती है पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक जी मेरी सतगुरु कर कृपा अपराय, जन्म जन्म की पूंजी पाए जग में सभी खुआए, खर्चे जन कोई चोर न दे दिन दिन बढ़त सवाए। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पाया है, राम जैसा कोई अमूल्य धन दूसरा नहीं है, परंतु मेरी सतगुरु की कृपा ऐसी मेरे ऊपर हुई जिसके कारण मैंने यह राम रतन रूपी धन अपना लिया है। वस्तु अमौलिक दी मेरी सतगुरु, मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे एक अमूल्य वस्तु दी है और मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे अपना लिया, अपनायो यानी अपनाया, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुवाया, मैंने संसार भर की जन्म जन्म की पूंजी पाली है और जग में सभी खो दिया है। इस राम रूपी रतन धन को
खर्चे में कोई खर्च भी नहीं कर सकता है, जो इसे लूट नहीं सकता है और ये दिन-दिन बढ़त सवाई ये दिन और दिन बढ़ता जाता है। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, सत्य की नाव है, सत्य की नाव के ऊपर बैठकर जिसके नाविक यानी केवटिया कौन है, सतगुरु है। मैंने इस भव संसार रूपी भव सागर रूपी पार कर लिया है, संसार रूपी भव को पार कर लिया है, इसकी कृपा से मैं संसार में राम रूप की रतन धन को पाकर अलग अलग प्रकार से अपना जीवन प्रसार कर रही हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर लिया इतने मेरे प्रभु कौन है, क्योंकि गिरधर नागर श्री कृष्ण है। हरकी हरकी यस गायो, जिसका जस यानी भक्ति जिसके की भजन मैंने आनंद से गाए हैं। इस प्रकार इस पद में मीरा ने अपने सदगुरु की कृपा को बताया है। और अब हम जो कठिन शब्द हैं, जो इस शब्द में इन सागर में कठिन शब्द आते हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनमें क्या लिखा गया है, उसे पढ़ना। जैसे कठिन शब्द शब्दार्थ है गिरधर यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण, गोपाल यानी गायों के पालक गायों को चलाने वाले पालने वाले, दही यानी दही दूध यानी घी, राम रतन धन यानी राम रूपी रतन का धन, अमूलक यानी अमूल्य, अपनायक यानी अपनाया, केवटिया यानी नाव चलाने वाला नाविक, भरक भरक यानी प्रसन्न होकर, बावली यानी पागल, कुलनाशी यानी कुल का नाश करने वाली, छोई यानी छास, छास आपके हृदय मत मिलन सीखे, कुली यानी धन, लोक यानी संसार जगत दुनिया, राजी यानी आनंद खुशी होना, मती यानी मतकर, अमूलक यानी अमूल्य, खर्चे यानी खर्च होना, भव सागर यानी संसार रूपी सागर, जश यानी यश, पग यानी पैर, नारायण यानी श्री कृष्ण, अविनाशी यानी जिसका नाश ना हो, साधु यानी संत महात्मा। इस प्रकार ये सब आप अपनी नोट में लिखिएगा और आगे का हम पद देखें तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग में घुंघरू बांध कर मीरा नाच रही है। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, सास कहते हैं कि ये इसने मेरे कुल का नाश कर दिया है। जहर का प्याला, जहर यानी विष जो राणा जी ने यानी उनके देवर ने भेजा था मीरा को मारने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मीरा अब मेरे कुल का नाश कर रही है, मेरे कुल की समृद्धि को डुबो रही है। मीरा कहती है कि मैंने उसे अवस्था नहीं किया है। मीरा कहती है मैं तो अपने नारायण की अपने प्रभु की दासी हो गई हूँ। मीरा कहती है कि प्रभु मेरे प्रभु कौन है, समझे मैं तो अपने नारायण की दासी हो गई हूँ। मीरा कहती है कि मैं तो अपने श्री कृष्ण की दासी हूँ, मेरे प्रभु मेरा नागर है और जिसे देख मिलो अविनाशी है, जिसे पाकर मीरा कहती है कि मेरा प्रभु अविनाशी है जिनका नाश नहीं है, ऐसे कृष्ण की मेरे ऊपर कृपा हो गई है और मैं इस संसार को अपने प्रभु को पार कर गई हूँ। और आप यहाँ पर ये